जय श्री राम। कई बार ऐसा होता है कि हम बेवजह परेशान होते हैं, हमें खुद को ये समझ में नहीं आती कि हम क्यों दुखी हैं। कोई व्यक्ति हमारे से पूछता है कि आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण क्या है, हम बता ही नहीं पाते कि हम किस वजह से परेशान हैं। इसको हम बोलते हैं बेवजह की परेशानियाँ। जब आपको ऐसा लगे कि आप पर कोई बेवजह की परेशानियाँ हैवी हो रही हैं और आप स्वयं भी उनका कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक उपाय करना होता है। ये सारी बातें चंद्रमा के दूषित होने की वजह से होता है। जब हमारा चंद्रमा खराब होगा तो उसका अर्थ सीधा मन पर जाएगा। चंद्रमा मन से जाता है। चंद्रमा के इस लंबे विषय को ना ले जाते हुए मैं केवल आज आपको ये उपाय बताना चाहता हूँ कि जब ऐसी परिस्थिति हो तो आपको क्या करना है। आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी चावल और चीनी डालनी है। सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को आपको प्रतिदिन ये जल देना है। ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से आरंभ कर सकते हैं। अगर उस समय में बहुत ज़्यादा देरी हो और आप आज ही परेशान हैं तो आपको तुरंत ये उपाय कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद रात को चंद्रमा के समय पर आप जो है चंद्रमा को इस सारी वस्तुओं का अध्ययन दे दें और खीर बना करके आप किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब आदमी को, किसी जरूरतमंद आदमी को, किसी भिखारी को, बच्चों को बांटना आरंभ कर दें और इसके साथ ही ओम सोमाय नमः का जाप आरंभ कर दें। देखिए आपका मन कैसे शांत होता है, आपका मन अपने परिवार में, घर में और अपने कार्यों में कैसे लगता है। कृपया आप इसे तुरंत आरंभ करें।